बताइए कैसा बना था छोला भटूरे आज के? आज का छोला भटूरे बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा था। बहुत टेस्टी था। बहुत अच्छे बने थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 15 नवंबर और कल ही मैंने अपना दिवाली वाला व्लॉग अपलोड किया है। तो आप लोग ने वो व्लॉग देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए और बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। और आज से शुरुआत करती हूँ मैं अपने नए व्लॉग की। तो आज नॉर्मल ही दिन है और आज हम लोग बनाने वाले हैं छोले भटूरे। तो सबकी डिमांड थी कि छोले भटूरे बनाने हैं, तो आज हम वो बनाने जा रहे हैं और मैं आज उसके ऊपर ही ये व्लॉग बनाने वाली हूँ। उसकी रेसिपी भी शूट करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की और चलिए चलकर बना लेते हैं छोले भटूरे और सभी लोगों को खिलाते हैं। तो ये हमारे भटूरे का आटा, इसमें हमने 5 पैकेट मैदा ले लिया है जो कि आधा आधा किलो के थे। अब हम इसमें चीज़ें हैं जो मिलाना है वो डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं नमक 2 बड़े चम्मच, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं बनाना है, थोड़ा सा स्वाद के लिए ही डालना है। और अब हम डालेंगे इसमें शक्कर, तो ये रही लगभग 2 चम्मच शक्कर। और अब हम डालेंगे खाने वाला सोडा, तो ये 1 बड़ा चम्मच खाने का सोडा और थोड़ा सा और 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसको पहले हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। जब भी हमें भटूरे बनाने हैं तो हम इसे आधा या 1 घंटे पहले भिगो कर रख लेंगे। तो हमें बनाना है तो हम अभी लगभग 1 घंटा पहले से भिगो कर रख रहे हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे दही। तो ये 4 बड़े चम्मच हमने इसमें दही मिलाया है और अब हम इसे धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। अच्छे से मिलाना है आटे को और थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे जिससे हमारा आटा जो है वो गूंद जाए। तो इसमें दही थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करना था, बट हमारे पास दही की क्वांटिटी कम है इसलिए हमने कम ही दही अभी इसमें ऐड किया है। वरना आपके पास ज़्यादा रहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है उठ के। और अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि भटूरे का आटा है, बहुत अच्छे से आपको एकदम इसको मसल मसल कर गूंद के रख लेना है, तो उससे जो भटूरे हैं आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए हम इसको पहले अच्छे से गूंद लेते हैं और इसको फिर हम मैं आपको इसकी लास्ट होने के बाद दिखाती हूँ। ये रहे हमारे छोले भटूरे के मसाले, जिसमें टमाटर है, हरा धनिया जो मैं मसाले के साथ भी पीसूंगी और ऊपर से भी गार्निश करूंगी। ये रहे खड़े मसाले, तो ये सारे खड़े मसाले हम यूज़ करेंगे। मैंने 2 अलग पोर्शन में लिया है क्योंकि लहसुन प्याज, बिना लहसुन और प्याज की एक अलग सब्जी बनानी है ये उसके लिए है, और एक ही लहसुन प्याज के साथ। ये रहे सारे खड़े मसाले जिनको हमें पीसना है और ये रही हमारी प्याज, और ये विदाउट लहसुन प्याज का मैं अलग से जो बना रही हूँ तो ये उसके लिए है। बाकी ये रहे हमारे, तो मैं इनको अब जल्दी से पीस लेती हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। सो यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में मैंने तेल ले लिया है, तेल गर्म हो चुका है, इसमें सारे खड़े मसाले हमने मिला दिए हैं। और ये मसाले जब थोड़े से सिक जाए उसके बाद हम ये जो कच्चा मसाला है हमारा जो हमने पेस्ट बनाया है ये सब भी डालेंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। तो इसका एक ट्रिक है जल्दी पकाने का, इसमें आप पहले ही नमक ऐड कर दीजिए जिससे इसका जो पानी है वो जल्दी मर जाता है और ये जो मसाले हैं वो जल्दी से पकना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं भी अपने इस मसाले में स्वादानुसार नमक मिलाऊंगी जिससे कि ये जो मसाला है वो अच्छे से जल्दी पक जाए, ज़्यादा समय ना ले। तो अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैं नमक मिला रही हूँ क्योंकि मैं लगभग 1 किलो का बना रही हूँ छोले,
तो उसके लिए ये मसाले की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और इसमें मैंने सॉल्ट मिला दिया है। अब मैं इसे ना कुछ देर तक पकाऊंगी अच्छे से। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छा खासा पक चुका है। इसमें ऑलरेडी मैंने पहले से नमक डाल दिया था, अब मैं डालूंगी इसमें गरम मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें हल्दी। तो लगने लायक आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच डाली क्योंकि मेरी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, मैं 1 किलो चने का बना रही हूँ। ये है गरम मसाले, तो मैं डालूंगी इसमें लगभग 2 चम्मच और थोड़ा सा ज़्यादा। ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून। और अब मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च, ये 1 चम्मच। ये हमारी घर वाली देसी लाल मिर्च है और ये है बाहर की लाल मिर्च। तो इसमें कलर है इसलिए मैं कलर के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं लगभग 2 से 2.5 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। तो ये हमारे मसाले डल चुके हैं, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें अब हमें डालना बाकी है हमारा छोले मसाला, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी छोले मसाले। तो ये रहा हमारा छोले मसाला, अब हम इसे भी ऐड कर देते हैं। और मैं डालूंगी इसमें ऊपर से थोड़ी सी ये हरी मिर्च, ताकि ये ज़्यादा भी ना पके और हरी हरी दिखते रहे सब्ज़ी बनते तक। तो ये हमारे सारे मसाले डल चुके हैं, अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये टमाटर। अब ये सारी चीज़ें हम काफ़ी देर तक अच्छे से पकाएंगे, तो अब मैं इसको पका लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो बहुत कुछ रेसिपी आप लोगों ने देख ली है और अभी मेरा जो मसाला है छोले का वो पक रहा है। तो एक बार वो अच्छे से पक जाए और उसके बाद हम अपने छोले डालेंगे और हमारे जो छोले हैं वो रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद हम फ्राई करेंगे अपने भटूरे। तो भटूरे जो है वो गरम गरम फ्राई करके खाएं तो ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो एंड में वही चीज़ें करेंगे, तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो अब हम हमारे छोले में डालेंगे पानी, जितना हमें इसका ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसको पकाऊंगी इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी एक चीज़, वो है ये चाय पत्ती का पानी। तो जैसे कि हम शॉप्स या रेस्टोरेंट में देखते हैं छोले का जो कलर आता है हल्का रेड और काला सा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये चाय पत्ती का पानी ऐड कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा और डार्क कलर आ जाएगा। और अब हम हमारे छोले को अच्छे से पकने देते हैं, उसके बाद मैं आपको लास्ट इसका लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा आटा अच्छे से भीग चुका है। इसको हमने लगभग 1 घंटे से ज़्यादा तक रखा है। अब हम इसके बनाएंगे भटूरे। तो इसकी हम लोइयां बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके बनाते हैं भटूरे। तो ये हमारे छोले बनकर रेडी है और मैं इसमें हरा धनिया मिक्स कर देती हूँ ऊपर से। तो ये देखिए छोले रेडी हो चुके हैं और अब हम बना लेते हैं जल्दी से भटूरे। तो ये देखिए हमारे छोले का जो कलर है बहुत अच्छा आया है और यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस वजह से क्लियर नहीं आपको दिख रहा होगा। और मैंने जो इसकी ग्रेवी की थिकनेस रखी है ना, ज़्यादा भी मैंने इसको थिक नहीं किया है क्योंकि थोड़ा पतला ही रखा है। तो ये रही पहली थाली पापा के लिए और मैं लेके जा रही हूँ। और वहाँ पर सभी लोग बैठकर, सेमीफाइनल मैच है आज तो देख रहे हैं। तो ये हमारा पहला भटूरा, साथ में प्याज और नींबू है, और ये हमारे छोले। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे छोले भटूरे फ्राई हो चुके थे और सभी लोगों का खाकर हो गया था। अब हम कुछ ही लोग बाकी थे, तो बाकी के हम भटूरे यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। तो सभी लोगों का छोले भटूरे खाकर हो गया है और अब हम कुछ लोग बचे हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी लोगों के लिए थाली यहाँ पर तैयार कर ली है और
आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये छोले भटूरे कैसे लग रहे हैं। तो अब हम चलते हैं और लेते हैं रिव्यू की कैसे बने थे हमारे छोले भटूरे। तो चलिए और देखिए आप लोग। बताइए कैसा बना था छोला भटूरे आज के? आज का छोला भटूरे बहुत अच्छा बना था। बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। बहुत अच्छे बने थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हो चुकी है शाम और आज रात के डिनर में हम लोग बना रहे हैं पानी पूरी। तो सारी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली है और जो प्रिपरेशन हम लोग ने की है मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और पूरियां तलने की बाकी है तो अभी हम वो फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और साथ में यहाँ पे तैयारियाँ भी चल रही हैं। आलू बॉयल होके मैश हो चुके हैं, इमली वाला पानी बन गया है और जो खट्टा वाला पानी होता है पानी पूरी का वो भी बन गया है। तो सारी तैयारियाँ हमारी हो चुकी है, अब बस पूरियां तलने की बाकी है। और जैसे कि आज सेमीफाइनल मैच है तो बस मैच देखते देखते सभी लोग पानी पूरी खाएंगे। और दिन में छोले भटूरे बनाए थे तो वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से हमारी पानी पूरियां तल लेते हैं क्योंकि बहुत सारी हमें तलनी है तो उसमें लगेगा थोड़ा टाइम। हमारा पानी पूरी का पानी जो कि रेडी हो चुका है, इसमें हमने पानी पूरी मसाले के 2 पैकेट डाले हैं और धनिया मिर्च को पीस के डाला है और इसमें अभी हम नींबू भी ऐड करेंगे। और अभी ये है हमारी भिगोई हुई इमली, तो इसका हम इमली वाला मीठा पानी बनाएंगे। तो आगे की प्रिपरेशन में और आप लोगों को दिखाती हूँ। हमने इतनी सारी जो पानी पूरी की पूरियाँ हैं वो तल लिए हैं, अब हम और भी तल रहे हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे सारे लोग खाते हैं तो हमें चाहिए बहुत सारी। तो ये जो मार्केट से लाके हम ये पूरियां घर में फ्राई करते हैं ना, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है इसमें और ये पेट के लिए भी इतना ख़राब नहीं करती है, अच्छी ही होती है। और आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं कंपेयर टू मार्केट में जो मिलती है वो। ये देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी पानी पूरी की फाइनल प्रिपरेशन हो चुकी है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये 2 बड़े बर्तन में है पानी पूरी, ये है आलू मैश किया हुआ, ये पानी पूरी का पानी है, प्याज है, सेव है और ये मीठा इमली का पानी है। तो ये हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, डन। अब हम लोग जाएंगे सभी लोग और टीवी देखते देखते पानी पूरी के मज़े लेंगे। तो यहाँ रात को सभी लोग मैच देखते हुए हम लोग पानी पूरी खा रहे थे और मैच भी इंजॉय कर रहे थे। तो जो कि मैच भी इंडिया जीत गया था और लास्ट एंडिंग चल रही थी, काफ़ी मज़ा आया सेमीफाइनल मैच में और हम लोग फाइनल में चले गए। तो चलिए यहाँ पर मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। आप लोग बताइए कि आप लोग को मेरा ये छोटा सा नॉर्मल व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।